शादी समारोह को लेकर योगी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के उल्लंघन पर उत्तर प्रदेश में अब कार्यवाही शुरू हो गई है। मंगलवार रात मेरठ में कोरोना से बचाव के उपायों का ख्याल न रखने पर दूल्हा दुल्हन और मैरिज होम के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही इस मैरिज होम में भविष्य में शादी समारोह करने की अनुमति पर भी रोक लगा दी गई है। मेरठ के थाना लाल कुर्ती पुलिस को मंगलवार रात सूचना मिली थी कि बैजल भवन में शादी समारोह चल रहा है। इस समारोह में मेहमान संख्या से अधिक हैं और सरकार की नई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद लाल कुर्ती पुलिस मौके पर पहुंची और वहां की वीडियोग्राफी कराई। इसके साथ ही पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई। जब मेहमानों की संख्या के बारे में बैजल भवन के संचालक से बात की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने बैजल भवन के संचालक के साथ साथ ही दूल्हा दुल्हन समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के ताज़ा नियमों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर होने वाले शादी समारोह, सांस्कृतिक खेल, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य आयोजनों में महज 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं 100 लोगों की क्षमता वाले हॉल में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड और डीजे ले जाने पर फिलहाल मनाही है। इसके साथ ही बीमार और बुजुर्ग व्यक्ति भी किसी तरह के समारोह का हिस्सा नहीं हो सकते हैं।